दोस्तों आज हमारा टॉपिक है डेल्टा विंग्स एयरक्राफ्ट के बारे में। उसमें हम बात करेंगे डेल्टा विंग्स के टाइप्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, और हम बात करेंगे इसका एफिशिएंट वर्क एंड इसका यूजेस के बारे में। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरो सिंपलीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। डेल्टा विंग एक ट्राइंगल शेप में होता है और वो दिखने में ग्रीक वर्ड डेल्टा की तरह दिखता है, इसीलिए उसे डेल्टा विंग्स कहते हैं। पहले डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट को वर्ल्ड वॉर वन में इस्तेमाल किया था, लेकिन डेल्टा विंग्स का कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, और वो है डेल्टा विंग्स लो अल्टीट्यूड पे हाई ड्रैग को प्रोड्यूस करता था। इसकी वजह से हाई स्पीड और हाई अल्टीट्यूड पर ये फ्लाई नहीं हो सकते थे, इसीलिए डेल्टा विंग्स को मॉडिफाई किया गया डिफरेंट शेप में। उनमें से कुछ है क्रैंक्ड एरो डेल्टा, क्रॉप्ड डेल्टा, टेल्ड डेल्टा, टेललेस डेल्टा, ऑगिव डेल्टा एंड कंपाउंड डेल्टा। लॉन्ग रूट कॉर्ड और शॉर्ट स्पैन डेल्टा विंग उसे स्ट्रक्चरली एफिशिएंट बनाता है, इससे और भी स्ट्रांग और लाइटर बना सकता है ताकि वो स्वेप्ट विंग्स के इक्वल बन सके। अगर आप लोगों को स्वेप्ट विंग के बारे में जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉन्ग रूट कॉर्ड एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जो लीडिंग और ट्रेलिंग को ज्वाइन करता है। अब बात करते हैं डेल्टा विंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट, विंग के रेयर पार्ट को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की तरह इस्तेमाल करता है। सेकंड, सेंटर ऑफ मास को फॉरवर्ड मूव करके एलिवेटर को ट्रिम करके बैलेंसिंग फोर्स को एग्जर्ट करता है। थर्ड, कॉन्स्टेंटली स्टेबल रहने के लिए लेस एफिशिएंट एयरफॉइल का इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं डेल्टा विंग्स के एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट, इसके विंग्स काफी छोटा होता है, इसीलिए फोल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड, लॉन्ग रूट कॉर्ड डेल्टा विंग्स को हाई इंटरनल फ्यूल प्रोवाइड करता है। थर्ड, डेल्टा विंग्स नेचुरली स्टेबल होते हैं, इसीलिए उसे सेपरेट टेल सरफेस की जरूरत नहीं होता है। फोर्थ, डेल्टा विंग्स वर्टेक्स लिफ्ट को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसका लिफ्ट इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं डेल्टा विंग्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट, टेललेस डेल्टा विंग्स का लैंडिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, इससे क्रैशेस होने का चांसेस ज्यादा होता है। सेकंड, लार्ज डेल्टा विंग्स में लिफ्ट रिड्यूस हो सकता है, इससे ड्रैग इंक्रीज होता है। थर्ड, सबसोनिक डेल्टा विंग्स में थ्रस्ट को ज्यादा होना पड़ता है। तो दोस्तों ये था डेल्टा विंग्स के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एरो सिंपलीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।